नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी आज संडे के दिन इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूँ, जिसमें जम्मू कश्मीर में IED धमाका होने की वजह से एक CRPF अहलकार के हलाकतों की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश कोरोना मुतासरा होने के शुबे में एक लड़की को बस से बाहर फेंकने की खबर शाई हुई है। शख्स का लाठियों से पीट पीट करके कत्ल कर दिया गया है, जौनपुर से खबर आ रही है। लद्दाख में 13 दिनों से IAS अफसर सुबहान अली लापता है, अभी तक किसी भी तरह की जो है संजीदगी से इस बात को नहीं ली जा रही है। अहले खाना का इल्ज़ाम लगा है। जापान में सैलाब है, बिहार में लगातार बिजली का कहर जारी है, मज़ीद 25 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। कोरोना को लेकर के भी इंसानियत सोच खबरें आ रही हैं। नाज़रीन बेटे से कहा गया है कि माँ की लाश को बैग में भर कर के ले जाओ। और बरतानिया में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद तमाम मस्जिद नमाजियों के लिए खोल दी गई। आइए सारी चीज़ों पर नज़र करते हैं और क्या है देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। आज संडे का दिन है, हमारे स्पेशल प्रोग्राम शाये होते हैं, उसको भी देखने और दूसरों तक फैलाने की कोशिश की जाए, जिसमें पैगाम फुरकान है, जिक्र मेरे हबीब का और दीगर प्रोग्राम। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। 3 माह के लॉकडाउन के बाद बरतानिया की तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी गई, एक खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, बरतानिया में 3 माह के लॉकडाउन के बाद तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने मसाजिद में महदूद तादाद के साथ नमाज की इजाज़त दी, जबकि नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी अभी भी बरकरार रहेगी। मसाजिद इंतजामिया बुखार की जाँच, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क यकीनी बनाने की पाबंद होगी। इसके अलावा बरतानिया में दीगर इबादत गाहें, रेस्टोरेंट और हजाम की दुकानें मुरवजा तरीक़ेकार के तहत भी खोल दी गई है। तो ये नमाजियों के लिए इस वक्त मसाजिद खोलने की खबर जो आई है बरतानिया से। नाज़रीन आइए, कोरोना को लेकर के जो इंसानी सोच वाक़ियात पेश आ रहे हैं वो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अंग्रेज़ी अखबार मुंबई मिरर में शाये होने वाली खबर ने कोरोना के मरीजों, जान गंवाने वाले लोगों और उनके अजीज़ों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर से पर्दा उठा दिया है। इसे ना तो खौफ कहा जा सकता है और ना ही बदइंतज़ामी, उसे तो इंतहाई निचले दर्जे का गैर इंसानी अमल ही करार दिया जा सकता है। महाराष्ट्र मुल्क की वो रियासत है जो कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा यहाँ मुतासरीन हैं और वहाँ पर कोरोना से मरने वालों की लाशों की देखभाल को लेकर कई खबरें आ चुकी हैं। अब ताज़ा खबर के मुताबिक कुनाल नामी 21 साल नौजवान की वालिदा का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया, और जब इस नौजवान को उसकी वालिदा की लाश दी गई तो ना तो उस नौजवान को किसी तरह की सिक्योरिटी किट यानी PPE पहनाकर पूरी हिफाजत बरती गई, बल्कि उसे कहा गया कि वो लाश को एक बैग में भर करके ले जाए। इत्तला के मुताबिक मुंबई के बोरीवली में वाक़ सरकारी शताब्दी अस्पताल में मुबैना तौर पर 21 साल कुनाल को बगैर किसी PPE किट के उनके वालिदा की लाश बैग में रखने के लिए मजबूर किया गया। इस वाक़े के बाद अस्पताल स्टाफ के 2 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच भी जारी है। मुंबई मुर्रार में ये रिपोर्ट दी है, जिसमें 50 साल पल्लवी अटेकर को इलाज के लिए 30 जून को अस्पताल में दाखिल किया गया था, क्योंकि उनमें कोरोना की अलामत पाई गई थी। 2 जून को अस्पताल से बेटे के पास फ़ोन आया और फ़ौरन अस्पताल पहुँची। अस्पताल पहुँचने पर कुनाल को बताया गया कि उसके वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ। अलग अलग रियासतों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग हॉस्पिटल से किस तरह की खबरें सामने आ रही है नाज़रीन, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह जब किसी गांव में, किसी शहर में किसी चीज़ की जो है होने की इतलात आती है तो क्या होता है, ये वीडियो देखिए। इसमें दूध फेंकने की आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है, ये किसान हैं जो गाय और मवेशी भैंस वगैरह को पालते हैं, इनका गुजारा दूध बेच करके होता है। तो कर्नाटक के एक गांव से खबर आई कि वहां की एक खातून को कोरोना है, यानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, कोरोना मरीज़ है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि देहातों देहातों में डायरीज बनती हैं इन लोगों से दूध खरीदने के लिए। तो वहां की डेयरी ने यहां के किसानों से सिर्फ बताने कि गांव में कौन से औरत को COVID-19 हो गया, उस वजह से उनसे दूध लेने पर मना कर दिया। तो ये सुबह सवेरे उठ करके अपना सारा दूध निकाल करके नाले में फेंक रहे हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह वो अपना जीना बसर करें और किस तरह जो है वो पालें, इसलिए कि दूध बेच करके वो घास भी ख़रीदते हैं, दीगर चीज़ें करते हैं गांव में।
तो अब उनसे दूध ही ख़रीदा नहीं गया, तो अब क्या कर सकते हैं। ये मंज़र आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह COVID-19 ने लोगों के मुख्तलिफ समाज मुख्तलिफ शोबों में असर डालना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, PM केयर फंड के सिलसिले में एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं वीडियो। ये वीडियो बताया जा रहा है कि PM केयर फंड से लिए गए वेंटिलेटर्स हैं जो अलग अलग हैं, पूरे रियासतों में बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त वेंटिलेटर्स की कमी पाई जा रही है, लेकिन गुरुग्राम की एक मंडी में लाकर, गुरुग्राम के एक गोडाउन में लाकर के इन तमाम चीज़ों को रख दिया गया है और इसको जो है तकसीम नहीं किया जा रहा है। PM केयर्स फंड में फंड देने का मतलब ही था कि इन तमाम सहूलियतों को जो है मरीजों के लिए फराहम करें, पूरी रियासतों को फराहम करें। वेंटिलेटर्स की कमी का इजहार किया जा रहा है, PPE किट की कमी का इजहार किया जा रहा है, ग्लव्स और न जाने क्या क्या जो डॉक्टरों के लिए ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें खरीदी गई हैं, तो फिर इसको गोडाउन में रखने का क्या मतलब है। इस बात को लेकर के इस वक्त सख्त नाराज़गी भी जाहिर की जा रही है कि PM केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स हस्पतालों को पहुंचाने के बजाय दिल्ली के गुरुग्राम के एक गोडाउन में डाल करके जो है लॉक कर दिया गया है और इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। इंडिया टुडे की जानिब से भी इस वीडियो को इस वक्त जो है ट्वीट किया गया है, जहाँ से हम लोगों ने इसको ला करके आप लोगों के सामने रखा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PM केयर्स फंड से अगर कुछ चीज़ें खरीदी भी जा रही हैं तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही हैं। बहर कर नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। हैदराबाद से भी एक ऐसी इंसानी अफसोस खबर आई है। कोरोना के साथ साथ उसके इलाज के खराजात ने भी लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। हैदराबाद में एक ऐसा ही मामला मंजर आम पर आया जहाँ कोरोना के इलाज के लिए 4.2 यानी 4,20,000 रुपए का बिल बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाज के खर्च के हवाले से कंपनी से तनाजा होने के बाद हैदराबाद अस्पताल ने एक मरीज को डिस्चार्ज करने से ही इनकार कर दिया। दरअसल कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद मनोज कोठारी नाम के एक शख्स को 20 जून को हैदराबाद के एक महंगे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। उसकी माँ और भाई को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज के लिए उसी अस्पताल में दाखिल कराया गया। कुंभे का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमा भी है, लेकिन एक हफ्ते के इलाज के बाद जो पूरी तरह ठीक हो गए तो भी अस्पताल ने मरीजों को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया है। और वजह यह है कि उन्होंने इतना भारी भरकम बिल ही बनाया है कि वो बिल उनको अदा नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1.23 लाख रुपये के दावे यानी क्लेम की ही मंजूरी दी। इंश्योरेंस कंपनी का दावा है कि उसने इलाज की लागत का हिसाब तेलंगाना हुकूमत की COVID-19 कीमतों का तायुन GO-248 पर मबनी और हुकूमत के अहकाम सिर्फ उन मरीजों पर लागू होते हैं जो खुद कोरोना वायरस के इलाज मुआवजे की अदायगी करते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस और इन अदायगियों का इंतखाब नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन कि अगर 4,20,000 रुपये कोई इलाज का पूरा बिल बना है और वो अदा ना कर सके तब उन अस्पताल इंतज़ामियों को कोई रियायत देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मरीज़ को डिस्चार्ज करने से ही मना कर दिया। ये है इस वक्त अस्पताल और डॉक्टरों के हालात। बहकर नाज़रीन आइए अगली ख़बर की जानी पड़ती, ये भी कोरोना से ही मुतासिर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में कोरोना मुतासिर होने की शुबह में एक लड़की को मुबैना तौर पर बस से बाहर फेंकने के बाद उसकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की रहने वाली 19 साला अनुष्का की पिछले महीने मौत हो गई थी। अनुष्का के घर वालों का इल्जाम है कि कोरोना मुतासिर होने के शक में उसको बस से बाहर फेंक दिया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मुतासिरा फैमिली का कहना है कि 15 जून को अनुष्का अपनी मां के साथ UP रोडवेज बस से नोएडा से फिरोजाबाद जिले की शिकवाबाद जा रही थी कि सफर के दौरान गर्मी और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई। उसके बाद बस के ड्राइवर कंडक्टर को उसके कोरोना होने का शुबा हुआ जिसको लेकर उनका तनाजा भी हुआ और बाद में मथुरा टोल प्लाजा के पास अनुष्का को बस से बाहर फेंक दिया गया। फैमिली का कहना है कि इसी खींचतान के दौरान अनुष्का को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उधर मथुरा पुलिस का कहना है कि मुतासिरा को आम मुसाफिरों की तरह बस से बाहर उतारा गया था और झड़प के किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर थकान और उसकी वजह से कोई लड़की बेहोश होती है तो उसको बस से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। यह है कोरोना के असरात। और ये वाकया पेशा एक महीने कबल अब जाकर के सुर्खियों में शाये हो रहा है और एक अंग्रेज़ी अखबार मुकामी अखबार ने इस वाक़े को शाये किया तो जो है तब जाकर के ये सही बातें लोगों के सामने आई हैं कि उस दिन हुआ क्या था। जबकि पुलिस इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है कि बस से निकाल कर फेंकने की कोई जो है सबूत उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन अहले खाना का ये कहना है कि उसको जो है सिर्फ कोरोना यानी COVID-19 का शिबा होने की वजह से
बस से नीचे निकाल करके फेंकने की जो झड़प इस दरमियान में हुई, उस दरमियान में उसको जो है हार्ट अटैक आया, उसकी मौत हो गई। ये हालात है नाज़रीन। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के गांगो नामी इलाके में इतवार की सुबह होने वाले एक बम धमाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का एक अहलकार जख्मी हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बम धमाके की तस्दीक की है और बताया है कि पुलवामा में कम शिद्दत का IED धमाका हुआ जिसमें एक CRPF अहलकार के हाथों में चोटें आई हैं। वैसे नाज़रीन कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो है एक दूसरे पर हमलों का ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। हाल ही में आपने वो तस्वीर वायरल होते हुए देखा था जो दादा के मरे हुए दादा के सीने पर बैठा था और इल्ज़ाम लगा के दादा पर जो है पुलिस ने फायरिंग की थी या फोर्स ने जो है फायरिंग की थी उसकी लड़की के बाद। ये मामला इस वक्त अभी भी चल रहा है। नाज़रीन आइए जौनपुर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जिला जौनपुर के चंदोक इलाके के हब्बू सिंह गांव में जुमा की देर रात घर से बुलाकर एक शख्स को लाठियों और डंडों से पीट पीट करके कत्ल कर दिया गया है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने हफ्ते को यहां बताया कि चंदोक इलाके के हब्बू सिंह गांव बाशिंदा संतोष यादव को जुमा की रात किसी ने फोन करके इतला दी कि कुछ लोग उसके ट्यूबवेल पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इतला मिलने के बाद संतोष बाइक से मौके के लिए रवाना हो गया। घर से निकलकर जैसे वो नहर के नजदीक पहुंचा वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से पीट पीट करके उससे मौत के घाट उतार दिया है। जिसमें पुलिस ने रात में दबिश देकर के 3 मुलजिमीन कल्पूराम श्यामराम सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन कल आपने देखा था कि कैसे पुलिसों पर हमला हुआ था। ये यूपी के जराइम में बढ़ता हुआ ऐसा ग्राफ है जो यूपी में थमने का नाम नहीं लिया जा रहा और जो है यहाँ की पुलिस और हुकूमत और यहाँ का इंतज़ामिया है वो सिर्फ मुसलमानों से लड़ने में और उनकी जायदाद तरक्की करने में लगा हुआ है, जबकि जराइम जिस अंदाज में बढ़ते जा रहे हैं वो तशवीशनाक ही नहीं बल्कि जो है बहुत ही अफसोसनाक है। नाज़रीन सुबहान अली जो IAS अफसर हैं लद्दाख से 13 दिनों से लापता हैं और उनके अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि गैर संजीदगी का इजहार किया जा रहा है और ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता 22 जून से IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस अफसर सुबहान अली लापता है। जम्मू कश्मीर के मकामी अफसरान ने उनके कुंबे को बताया कि सुबहान 22 जून को एक सड़क हादसे में अपनी गाड़ी जिप्सी समेत खाई में गिर गए थे। उनके साथ पंजाब के पलविंदर सिंह भी थे। गाड़ी पलविंदर ही चला रहे थे। कुछ दिनों बाद गाड़ी तो खाई से बरामद कर ली गई लेकिन सुबहान और ड्राइवर पलविंदर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सुबहान के बड़े भाई शाबान अली ने कौमी आवाज़ से बातचीत में बताया है कि सुबहान हर रोज़ शाम को वीडियो कॉल के जरिए बात करता था लेकिन 22 जून की शाम उसकी कॉल नहीं आई। एक अफसर को कॉल की तो किसी और अफसर का नंबर दिया गया लेकिन वहाँ से कहा गया कि हम अपने अफसरान की कोई मालूमात शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अगले दिन भी हम परेशान रहे, न सुबहान का नंबर मिला और ना ही कोई मालूमात हासिल हुई। अगली सुबह सुबहान के एक अफसर का मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें लिखा था, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं होती कि जो हो वो अच्छा हो बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। शाबान ये कहते हुए रो पड़ते हैं। पूछने पर कि आगे क्या हुआ, अपनी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि अपने बहनों या अपने चचाजाद भाई के साथ लद्दाख गया, वहाँ हमसे अच्छा बर्ताव किया गया, साथ ही ये मजबूरी भी बताई गई कि तकरीबन 5000 फीट गहरी खाई में किसी को तलाश करना कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो मतलब ये हुआ कि सुबहान की लाश और उनके ड्राइवर की लाश जो जिप्सी चला रहे थे उनकी लाशें बह कर के जो है एक नहर में चली गई हैं लेकिन अहले खाना ने जो है हुकूमत पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया है जो बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन सैलाब का दौर है। जापान में सैलाब और तूदे गिरने से 7 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह मुंबई का भी हाल है। मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से जो है हालात बहुत ही ख़राब हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पर जो है दरहम बरहम हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके सबब माहीगीर अदम तहफ़ का शिकार हैं। कोलाबा के एक माहीगीर ने बताया कि कोरोना से हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। BMC ने ठीक तरह से नालों की सफाई नहीं की। हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि यकीनी बनाया जाए कि इससे किसी की जान ना जाए। तो नाज़रीन जो समंदर किनारे या साहिल पर जो लोग वाक़े हैं या नदी किनारे हैं, 3 दिन के लगातार बरसात की वजह से जो है लगातार घर बार में जो है इस वक्त पानी घुसता हुआ जा रहा है और वैसे भी जो है यहाँ कोरोना की वबा की वजह से आम ज़िंदगी वैसे ही मुअत्तल है। ऐसे हालात में जो 3 दिन के लगातार बरसात ने जो है मज़ीद यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को अजीरन करके रखा है। नाज़रीन बिहार में भी कुछ ऐसी हालात है। यहाँ पर कोरोना से कम और बिजली के कहर से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले 100 से ज़ायद लोगों के मरने की बात कही थी। अब ताज़ा खबर आ रही बिहार से कि बिजली गिरने से हलाकतों का सिलसिला नहीं रुक रहा। वहाँ बिजली गिरने से हलाक होने वाले की तादाद कोरोना वबा से होने वाली हलाकतों का मुकाबला करती नजर आ रही है। बिहार में शनिचर को बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में 9, सारण में 5, कैमूर में 3, रोहतास
पटना और जहानाबाद में दो दो और सहरसा और बक्सर में एक एक शख्स की बिजली गिरने से मौत हुई है। तो नाजीन एक तरफ कोरोना वबा, दूसरी तरफ मईशत की हालत बुरी और ऊपर से ज़मीनी और आसमानी आफतें लगातार जारी हैं इस वक्त, इसलिए हम तमाम लोगों को अपने एहतियाती इकदाम करना ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन आज के हमारे इस प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।